सो हाय एवरीवन, तो देखो आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे, वो भी घर पे। देख सकते हो मेरे पास जुगाड़ है। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन गैस। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा उसको जो है बैलून में कैप्चर करेंगे और देखेंगे कि जो घर पे हाइड्रोजन गैस बना है क्या वो बैलून में कैप्चर करने के बाद बैलून उड़ पाएगा या नहीं। सारी चीजें आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जो है सारा जुगाड़ है। तो देख सकते हो ये हमारे पास जो है एक ग्लास बेकर है, और देख सकते हो बहुत सारे बैलून है, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास जो है दुकान से पुराना एल्यूमिनियम फॉइल कर पाए। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को पहले आपको दिखाते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसा होता है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें जो पानी डालना होगा इसमें, तो देख सकते हो इसमें जो है 100 ml पानी डाल दिया है। डालने के बाद जो है सबसे पहले हमें जो है क्या करना होगा, इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डालते हैं। तो इसको डालने के लिए जो है हमें प्लास्टिक का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को डालने के बाद जो है इसके बाद जो हमें एल्यूमिनियम फाइल इसमें डालना होगा। तो चलिए इसको पहले इसमें से निकालते हैं। तो देख सकते हो एल्यूमिनियम फाइल को जो इस तरह से जो है फोल्ड करना है, इसके बाद जो इसके अंदर डालना है। इसमें डालने के बाद जो है हमें जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है इसके अंदर जो है हीट होगा, इसके बाद हीट से जो भी भाप निकलेगी वो होता है हाइड्रोजन गैस। तो थोड़ा वेट करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। तो देख सकते हो ये हीट होना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो आपके सामने अभी दिखेगा हाइड्रोजन गैस। देख सकते हो यहाँ पर रिएक्शन जो है देखने को मिल रहा है। देख सकते हो आपको जो है कैमरा में दिख रहा होगा, देख सकते हो इसके अंदर से जो है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। देख सकते हो आपके सामने जो है दिख रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। देख सकते हो किस तरह से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। देख सकते हो रिएक्शन होकर, देख सकते हो इसमें हम हाइड्रो ऑक्साइड डाले, इसके बाद जो है एल्यूमिनियम फॉइल को डालने के बाद ये हीट है, देख सकते हो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। देख सकते हो, तो देख सकते हो आपके सामने बिल्कुल रियल है। तो हाइड्रोजन गैस तो हमारा देख सकते हो इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको जो है बैलून में कैप्चर करना है। तो कैप्चर इस अगर इसके थ्रू करेंगे तो ये पूरी तरह से हीट है, बैलून जो है इसमें फट जाएगा हीट के कारण। तो इसके लिए जो है हम बोतल का इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हो प्लास्टिक बोतल है। तो चलिए इसमें पहले पानी को डालते हैं। देख सकते हो इतना पानी काफी है। तो अब चलिए इसमें जो हमें डालना होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो देख सकते हो इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद फिर से हमें जो एल्यूमिनियम फॉइल को इसमें डालना होगा। तो चलिए इसको पहले फाड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसमें जो एल्यूमिनियम फॉइल को डालते हैं, इसको थोड़ा हिला देते हैं ताकि मिक्स हो। इसको रखते हैं बैकअप के लिए। चलिए इसको इसमें हम लगा देते हैं। तो देख सकते हो ये हाइड्रोजन गैस इसमें जो है आना स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हो दोस्तों बोतल तो रिफिल हो गया। देख सकते हो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है तो ये नहीं उड़ पा रहा है। देख सकते हो जो भी है हाइड्रोजन गैस आपको दिखाऊंगा, इसमें जलाकर भी आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस आपके सामने भरे हैं और इसके अंदर नॉर्मल हवा है। देख सकते हो तो ये उड़ क्यों नहीं रहा है, रीजन आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है जो भी हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इसमें जो है हाइड्रोजन गैस में जो है पानी की मात्रा है जिसके कारण ये नहीं उड़ पा रहा है। अगर इसको और फिनिशिंग अच्छी तरीके से किया जाए तो ये जो बैलून उड़ पाएगा।
तो इसके लिए जो हमें जो बड़ा बोतल चाहिए और शीशी का बोतल चाहिए। ये जो प्लास्टिक का तो देख सकते हो, इसका जो सेप खराब हो चुका है, तो इसके लिए हमें जो बड़ा बोतल शीशी का चाहिए, उसमें जो है इसी तरह से प्रक्रिया करने के बाद हमारा बैलून उड़ने लगेगा। इसमें क्या हुआ, वो इसके अंदर जो पानी की भाप आ गई, जिसके कारण ये और भारी हो चुका है। भारी होने के बाद ये नहीं उड़ पा रहा है, तो रीजन यही है। तो देख सकते हो आपके सामने हाइड्रोजन गैस बनाने के बाद बैलून में कैप्चर किया, बट ये नहीं उड़ पा रहा है। क्यों नहीं उड़ा, रीजन आपको बताएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं रियल। आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोजन गैस जो भी बनाया है वो फेक है, तो चलिए आपको रियल दिखाते हैं। फ्रिज में डालते हैं। अब इसके बाद जो हमें माचिस जलाना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन गैस का आवाज भी किया। देख सकते हो हाइड्रोजन गैस है, तभी जो है जल रहा है कंटिन्यू। देख सकते हो हाइड्रोजन गैस था, इसीलिए देख सकते हो इसके अंदर से जो भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो यहाँ पर जल रहा है। इसके अंदर भी आपको दिखाएंगे, आपको यहाँ लग रहा होगा कि प्लास्टिक जल रहा है और शीशी में दिखाएंगे। देख सकते हो हाइड्रोजन गैस है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में जय हिंद, जय श्री कृष्ण।